So let us start with our new subject, that is business law, in which I am going to take a topic, Indian Contract Act 1872. Okay, students, सबसे पहले हमें business law क्यों पढ़ाया जाता है, उसका मतलब क्या है, वो हम समझें, ठीक है? सबसे पहले business का मतलब क्या होता है, वो हम समझें. Business मतलब selling and purchasing of goods and services for earning a money in the form of profit. It is known as business. मतलब वस्तुओं एवं सेवाओं का लाभ कमाने के लिए आदान प्रदान करना, इसे व्यवसाय कहा जाता है. तो बेटा इस सब्जेक्ट में हम बिजनेस लॉ की जब हम बात कर रहे हैं तो व्यवसाय करने के कानून कायदे हम इस सब्जेक्ट के द्वारा सीखेंगे. लॉ का मतलब हिंदी में होता है संनियम, ठीक है? इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है? जैसे बिजनेस करने में हमें कितने पक्षों की आवश्यकता होती है, राइट? टू पार्टीज की आवश्यकता होती है. एक जो चीजों को बेचता है, दूसरा जो चीजों को खरीदता है, ठीक है? तो अब हम इस टॉपिक में हमें इतने टर्म्स जो है वो देखने हैं, समझने हैं. सबसे पहला टर्म है इसमें ऑफर, देन एक्सेप्टेंस, देन प्रॉमिस, देन कंसीडरेशन, देन एग्रीमेंट एंड देन कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, प्रॉमिस का मतलब होता है वचन, कंसीडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, एग्रीमेंट का मतलब होता है ठहराव एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध, ठीक है? इसे हिंदी में से क्या कहा जाता है? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, ठीक है? अब हम इसको डेफिनेशन बना करके सीखते हैं, है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली किसको कहा जाता है. तो सबसे पहले हम ऑफर की बात करते हैं. मैंने क्या कहा, दो पार्टीज का होना उसमें आवश्यक होता है, ठीक है? अब एक एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं. सपोज आई एम ए एंड यू आर बी, मतलब मैं अ हूं और आप अ हैं, ठीक है? मैं अपनी प्रॉपर्टी 10 लाख की प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहती हूँ, मतलब अ को बेचना चाहती हूँ. तो मैंने आपके सामने ये ऑफर रखा, प्रस्ताव रखा, ठीक है? आप उस ऑफर को स्वीकार करते हैं, मतलब कि मेरी 10 लाख की प्रॉपर्टी आप लेने के लिए तैयार है, उसकी स्वीकृति मुझे दे रहे हैं. मतलब क्या हुआ, मैंने ऑफर किया, आपने उसको स्वीकार किया, ठीक है? मैंने प्रस्ताव रखा, आपने उसकी स्वीकृति दी. अब जब ऑफर भी हो गया, स्वीकृति भी हो गई, तब क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया, राइट? ठहराव बन गया, मतलब अब हमारे सामने कागजात तैयार हो चुके हैं. कागजात तैयार होते हैं पर उस पे कानून का मतलब थप्पा लगना भी बाकी है, मतलब कानून की परमिशन मिलना बाकी है. तो उसके आगे की प्रोसीजर क्या है, जब एग्रीमेंट तैयार हो गया तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब कि ठहराव धन राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय. जब वो जो ठहराव राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय हो जाता है, अर्थात उस पर कानून अपनी परमिशन दे देती है, तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. इस प्रकार हमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है वो देखा. ये दो टर्म सीखते हैं, प्रॉमिस एंड कंसीडरेशन. प्रॉमिस का मतलब ये होता है वचन देना. जब मैं ऑफर आपको दे रही हूँ तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचने का वचन आपको दे रही हूँ, राइट? आप उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब आप मुझे उसके बदले में रुपए देने के लिए मुझे वचन दे रहे हैं. वैसे ही कंसीडरेशन एक वर्ड है. कंसीडरेशन मतलब प्रतिफल होता है, मतलब कि प्रतिफल का मीनिंग ये होता है कि समथिंग इन रिटर्न, मतलब कि किसी के बदले में कुछ. तो जब मैं आपको 10 लाख की प्रॉपर्टी दे रही हूँ, उसके बदले में आप मुझे क्या दे रहे हैं, 10 लाख रुपए. और जब आप मुझे 10 लाख रुपए दे रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या दिया, 10 लाख की प्रॉपर्टी. इट इज नोन एज कंसीडरेशन. ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव टू स्टडी नेसेसरी